शनिवार को शामली जनपद के एक गांव में उपलों के जलते हुए बिटोड़ों में मानव हड्डियों के अवशेष दिखाई देने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हड्डियों के अवशेष दिखाई पड़ने पर ग्रामीणों द्वारा पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल को सील करते हुए मौके से साक्ष्यों को इकट्ठा करने हेतु फॉरेंसिक टीम को सूचना भेजी गई है। घटना की सूचना पाकर एसपी शामली अभिषेक झा भी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए फॉरेंसिक टीम की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट होने की बात मीडिया से कही। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह प्रदेश के शामली जनपद में स्थित गांव शामली श्यामला में खड़े एक उपले के बिटोड़े में आग लगी देखकर जब ग्रामीण जलते हुए बिटोड़े के निकट पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जलते हुए उपलों के साथ साथ कुछ मानव हड्डियों के अवशेष भी आग में दिखाई पड़ रहे हैं। आग में मानव अवशेष होने की सूचना पूरे गांव में तेजी से फैल गई तथा ग्रामीणों द्वारा आनन फानन में पूरे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सील करते हुए आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को सूचना भेजी। इधर बिटोड़े में मानव हड्डियों की सूचना पाकर एसपी शामली भी घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया। देखिए, आज दिनांक 10 सितंबर को सुबह ये सूचना आई कि शामली श्यामला गांव का एक मजरा है नया गांव, वहां पर उपलों में जो है आग लगी हुई है, उसमें कुछ हड्डियों के अवशेष हैं। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर घटनास्थल को सिक्योर किया गया और हमने फॉरेंसिक टीम को बुलाई है, जो उसमें अवशेष है उसकी जो है वैधानिक जाँच करवाई जाएगी और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जो इसमें अग्रिम सूचना आती है उसके संबंध में आपको, जैसे बच्चों की अफवाह फैल रही है कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, प्रति इसमें अवशेष हैं, कुछ हड्डियां हैं। इसमें प्रथम दृष्टया देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसी बच्चे का है या फिर किसी एडल्ट का है, बट इसमें जो भी है डिटेल्स हम जाँच कर रहे हैं और इसमें अग्रिम डिटेल्स आपको अवगत कराया जाएगा।